हेलो नमस्कार फ्रेंड, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। ठीक है, मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान जी को पत्र लिखा गया है। मध्य प्रदेश के मंत्री हैं ये। ठीक है फ्रेंड्स, जिनने पत्र लिखा है शिवराज सिंह चौहान जी को, अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की बात की गई है। और इन्हें बोला है वर्तमान में जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हुई है उसमें मात्र 1 या 2% अतिथि शिक्षक ही भर्ती हो पाए हैं। ठीक है, नियमित हो पाए हैं, जबकि कम से कम 75% अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होना चाहिए था। उन्हें बोला गया है अन्य राज्यों की तरह नीति बनाकर अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे अन्य राज्यों ने अतिथि शिक्षकों को कार्य अनुभव के आधार पर नियमित किया गया, इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भी नियमितीकरण किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, विधानसभा में भी कई बार प्रश्न उठा चुके हैं और अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का मुद्दा उठाते रहते हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री विधानसभा क्षेत्र का 122। ठीक है फ्रेंड्स, सुनील उर्के इनने मुद्दा उठाया अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का। 11/12/2023 को पत्र लिखा है, शिवराज सिंह चौहान जी को भेजा गया है। प्रति जो भेजी गई है, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन, वैसा है मध्य प्रदेश में विगत 15 वर्षों से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को नियमित किए जाने हेतु नई नीति निर्माण करने के संबंध में आदेश। ठीक है फ्रेंड, पूरी विस्तार से मैं जानकारी दे रहा हूँ, वीडियो में बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपडेट पाने के लिए। उपयुक्त विषय अंतर्गत अनुरोध है कि विगत 15 वर्षों से स्कूल शिक्षा विभाग जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत प्राथमिक माध्यमिक हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल विद्यालय में अतिथि शिक्षक मजदूर से भी कम वेतन अल्प वेतन में कार्य कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजाति कार्य विभाग में अधिकांश स्कूल इन अतिथि शिक्षकों के भरोसे संचालित हो रहे हैं। न्यूनतम वेतन में भी इनके द्वारा संस्था में अच्छे परिणाम आ रहे हैं। कार्यरत लगभग अतिथि शिक्षक प्रशिक्षित भी हैं एवं अध्ययन कार्य कराने का अनुभव भी है एवं अधिकांश अतिथि शिक्षकों को परिवार का भरण पोषण करने के लिए मानदेय सही टाइम पर नहीं मिलता, ना अधिक मानदेय दिया जाता है। और वर्तमान में जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें मात्र 1 या 2% अतिथि शिक्षक ही नियमित हो पाए हैं। अतिथि शिक्षकों द्वारा जन आंदोलन का नियमितीकरण हेतु समय समय पर आंदोलन किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के 70,000 से अधिक अतिथि शिक्षक पूरे प्रदेश भर में आंदोलन कर रहे हैं और अपनी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के 70 से अधिक सांसद एवं विधायकों द्वारा इनके नियमितीकरण किए जाने के समर्थन पत्र प्रेरित किए गए हैं, जो कि इस पत्र के साथ संकलित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 70 विधायक एवं सांसदों ने अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण का पत्र भेज चुके हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान जी को, नियमितीकरण का मुद्दा उठा चुके हैं, लेकिन आज तक अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं हो पाया। इसमें संकलित है पत्र, इन्हें बोला गया। ठीक है, और इसमें बोला अन्य राज्यों के द्वारा पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को कार्य अनुभव के आधार पर नियमित किया जा चुका है। आता है, आपसे अनुरोध है कि अन्य राज्यों की भांति नीति बनाकर उन्हें नियमित किया जावे, अथवा आपके द्वारा पूर्व में शिक्षा गारंटी शाला में कार्यरत समस्त गुरुजियों को परीक्षा के माध्यम से नियमित किया गया है, इसी आधार पर भी अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किया जाए। और इसी प्रकार विगत 15 वर्षों से स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजाति कार्य विभाग में कार्यरत समस्त अतिथि शिक्षकों की परीक्षा लेकर उन्हें भी नियमित किया जाए, वे अपने परिवार का भरण पोषण उचित तरीके से कर सके एवं उनके बच्चों का भी भविष्य सुरक्षित हो सके। साधारण सांसद संगलत एवं विधायक द्वारा अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के समर्थन पत्र की छाया प्रति। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के विधायक सांसद जी के सिग्नेचर है, इन्हें नियमितीकरण की मांग की है। मंत्री है मध्य प्रदेश के, अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण का मुद्दा उठाया।